नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लव कुमार ब्लॉग्स में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ भीड़, तो हम उपस्थित हैं दुबिया अखाड़ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 एवं 12 फरवरी को दुबिया अखाड़ मेला में भव्य मेले का आयोजन होता है। दो दिवसीय आदिवासी मेले का आयोजन दुबिया अखाड़ में किया जाता है, तो उसी मेले में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं पीछे काफ़ी मात्रा में भीड़, और हमारे साथ हमारे गांव के कुछ लोग हैं। देखिए, यूट्यूबर प्रकाश कुमार, और हमारे पीछे बहुत ही अच्छे बेंजो वादक विजय कुमार जी हैं, जो कि हम लोग जा रहे हैं साथ में। तो देखिए, देख रहे हैं जैसा कि रांची रोड है और काफ़ी मात्रा में भीड़ है, वाहनों का आवागमन, लोग मेले में जा रहे हैं और कुछ लोग मेले से घूमकर आ भी रहे हैं। तो बहुत ही यहाँ का सुंदर नज़ारा है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। तो अब हम कुछ ही क्षणों के बीच हम मेले में पहुँच जाएंगे और दिखाएंगे वहाँ का दृश्य। तब तक आप ब्लॉग पर बने रहें। जैसा कि देख पा रहे हैं, हम मेला में उपस्थित हो चुके हैं और आप पीछे देख रहे होंगे बच्चों के खेलने के लिए झूला का आयोजन किया गया है, झूला लगाया गया है। तो बच्चे लोग झूले पर झूल रहे हैं। मैं आपको इसको दिखाते हैं अपने फ्रंट कैमरा से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बच्चे लोग, ये देखिए किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। तो आइए, हमारे बीच कुछ सज्जन हैं, तो इनसे बातें करते हैं मेले के बारे में। तो आप सबसे पहले तो आप दर्शकों को परिचय दें, अपना परिचय, नाम बताइए। मेरा नाम तो सरजू सिंह है। सरजू सिंह, आप कहाँ से आए हुए हैं? तो रंगनिया कल्याणपुर के। अच्छा, रंगनिया कल्याणपुर के। अच्छा, आप ये मेले कब से आप यहाँ पर देखने आते रहे हैं? हम तो ज़्यादा दिन से नहीं आए हैं, 2-4 साल से आ रहे हैं। 2-4 साल से। तो यहाँ का मेला आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, हम आपको मुलाकात करवा रहे थे सरजू सिंह, जो कि कल्याणपुर रंगनिया के रहने वाले थे। इन्होंने मेले के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी और बारे में इस मेले के बारे में बताएं, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए चलते हैं मेले के दूसरी ओर और दिखाते हैं यहाँ के दृश्यों को। तो आप ब्लॉग पर बने रहें, ब्लॉग में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बच्चे लोग यहाँ पर खेल का मज़ा ले रहे हैं। ये बच्चों के खेलने के लिए झूला का प्रबंध किया गया है। तो देखिए, बच्चे लोग किस तरह से उछल उछल कर मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे, सरना समाज के लोग जो कि साजबाज के साथ उपस्थित हैं, और वे लोग अपने परंपरागत जो वाद्य यंत्र होता है उनके साथ वे लोग खड़े हैं। वे अपना कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भीड़ काफ़ी संख्या में है और लोग, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर मंच किस तरह से बनाया गया है। मधुरता लाते हुए हड्डी गुडुक सरना समाज की जो टीम है उनके द्वारा प्रस्तुति करवाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा हड्डी गुडुक सरना। Yeah.
करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।